नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज आपको वेस्ट फेसिंग टॉय शॉप यानी खिलौने की दुकान के बारे में, गिफ्ट गैलरी की दुकान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। बंसल जी, हम नई दुकान बनाने जा रहे हैं और टॉय शॉप बनाने जा रहे हैं, क्या आप हमें जानकारी दे पाएंगे, क्या हमारी दुकान के प्रति वीडियो बना पाएंगे? तो मैं जैसे मैसेज आते हैं उसी मैसेज के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। जो वेस्ट फेसिंग गिफ्ट गैलरी खोलने जा रहे हैं या जिन्होंने गिफ्ट गैलरी खोली हुई है, टॉय शॉप खोल रखी है, उसके अंदर आपकी अपनी दुकान बहुत अच्छी चल रही है तो बहुत बढ़िया है। किसी कारण से आपको लगता है हमारी दुकान से जैसी इनकम आनी चाहिए थी वैसी इनकम नहीं आ रही है, तो जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार, साथ में वास्तुशास्त्र के अनुसार एडवाइस दे रहा हूँ। आपको अपनी सीटिंग और सेटिंग कैसे करनी चाहिए, अपना सेटअप कैसे बनाना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका अपना मेन गेट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आना चाहिए। इसके साथ में आपने अपने यहाँ पर डिस्प्ले कंप्लीट साउथ वॉल पर ईस्ट वॉल पर भी कंप्लीट डिस्प्ले, इसी तरीके से नॉर्थ वॉल पर भी कंप्लीट डिस्प्ले आएगी और साथ में आपकी अपनी वेस्ट वॉल पर भी कंप्लीट डिस्प्ले आएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्थ वॉल पे आपने कंप्लीट डिस्प्ले बनानी है, ईस्ट वॉल पे भी आपने डिस्प्ले बनानी है, लेकिन साउथ वॉल पर डिस्प्ले के साथ साथ में डिस्प्ले तो आपकी अपनी फर्स्ट लेवल से लगभग 3 फुट ऊपर से लेके सीलिंग तक कंप्लीट डिस्प्ले बनेगी, नीचे आपकी अपनी अलमारी बनेगी। फर्स्ट लेवल से लगभग 3 फुट के करीब ऊंची अलमारी बनेगी, उसके बाद कंप्लीट डिस्प्ले आ जाएगी, जो कि जो अलमारी बनेगी वो आपकी अपनी स्टोरेज के रूप में, स्टोर के रूप में इस्तेमाल होगी। इसके साथ में आपका अपना जो काउंटर है, ऑनर की सीटिंग यहाँ आनी चाहिए, स्टाफ की सीटिंग यहाँ होनी चाहिए। कस्टमर आपका आया, यहाँ खड़ा हो सकता है, कहीं भी खड़ा हो सकता है, जो आइटम उसको चाहिए आप वो आइटम निकाल कर, ये आपका अपना काउंटर बना है, काउंटर पे आप उन आइटम्स को दिखाएंगे। इसी के साथ आपने और किस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले जो आपकी अपनी फ्रंट में वेस्ट में जो डिस्प्ले आएगी, वो डिस्प्ले मैं आपको कहूँगा आइटम जो भी लगाएं, हैवी भारी वाली आइटम लगाते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी अपनी सेल बहुत अच्छी होगी। क्या करने पे, वेस्ट की डिस्प्ले पर, फ्रंट की डिस्प्ले पर आइटम हैवी भी हो और चमकीली आइटम हो और मेटल की आइटम्स होती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्थ वॉल पे जो आपकी अपनी डिस्प्ले बनी है उसमें लाइट वेट हल्की आइटम्स होनी चाहिए, इसके साथ में ईस्ट में भी आपकी हल्की आइटम्स आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हल्की भारी आइटम्स भी आ सकती हैं, कहाँ से, ईस्ट के सेंटर से लेकर साउथ ईस्ट तक, और ये तो कंप्लीट साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक, ये तो आपने भारी आइटम्स यहाँ लगानी ही है। इसी के साथ गिफ्ट गैलरी शॉप के अंदर शोरूम में बैम्बू प्लांट भी रखे जाते हैं, फेंगशुई की बहुत सारी आइटम्स रखी जाती हैं, क्योंकि आजकल जो गिफ्ट देने का प्रोसीजर है, सिस्टम जो बना हुआ है, उसके अंदर चाइनीज या फेंगशुई के हिसाब की आइटम्स बहुत सारी दी जाती हैं, या आपके अपनी दुकान में, आपके अपने शोरूम में बैम्बू रखे जाते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा आपने अपनी दुकान के अंदर बैम्बू कहाँ लगाने हैं, ये जो आपकी अपनी डिस्प्ले है कौन सी, ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इस हिस्से में एक खाने में, एक ब्लॉक में या दो ब्लॉक में या तीन ब्लॉक में, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप बैम्बू यहाँ लगाएंगे। इसी के साथ आपने जो मंदिर बनाना है ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, आप इस हिस्से में कहीं भी मंदिर, एक किसी भी एक खाने में मंदिर बना सकते हैं। इन्वर्टर आपने रखना है, मैं आपको कहूँगा इन्वर्टर भी आपने साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में ही यहाँ आपने इन्वर्टर लगाना है। इसी के साथ साथ
जो आपकी अपनी यहाँ पर ये फ्रंट की जो डिस्प्ले बनी है, इस डिस्प्ले के अंदर एक ड्रॉअर भी बनानी है। वो आप अपने तरीके से बनाना, वो ड्रॉअर आपकी अपनी ईस्ट की ओर ओपन होनी चाहिए। ये ड्रॉअर आपकी अपनी जो बनेगी वो आपकी अपनी कैश की लॉकर की ड्रॉअर बनेगी। इसी के साथ एक ड्रॉअर आपने अपनी सीटिंग के राइट एंड पे बनानी है, जो कि साउथ की ओर ओपन हो रही है। लेकिन ये आपकी रूटीन की रहेगी। जैसे ही आपकी अपनी सेल अच्छी होती है, आपका अपना रिटेल का काम है या आपका अपना होलसेल का काम है, होलसेल के काम में हमेशा ही अमाउंट मोटी आती है, पैकेट्स आते हैं, वो पैकेट्स सारे के सारे या चेक बुक्स आपकी अपनी होती है, वो कहाँ रखनी है, वो चेक बुक्स आपने यहाँ रखनी है। वो पैकेट आपने बैंक से पेमेंट आई या कस्टमर देखे गया, वो पेमेंट आपने फिल एक बार को तो यहीं रखनी है, उसके बाद इधर किधर जो ईस्ट की ओर ओपन हो रही है इधर आपने ट्रांसफ़र कर देनी। आपको लगता है किसी कारण से आपकी अपनी डोर यहाँ नहीं बन पा रही है, तो आप जो फर्स्ट लेवल से 3 फुट ऊपर, लगभग 3 फुट ऊपर तक कैबिनेट बनी है, इसी के अंदर आप एक ड्रॉअर बना लेंगे जो कि नॉर्थ की ओर ओपन हो जाएगी। चेक बुक्स इसमें आ जाएंगी और आपकी अपनी मोटी अमाउंट बैंक से आई है, कस्टमर देखे गया, वो आप इसमें शिफ्ट कर लेना। तो आपके अपने यहाँ पर कैश फ्लो, कैश की कभी भी कमी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ एक बात और कहूँगा मैं आपको, फ्रंट में जो फुट मैट पायदान डालना है वो ग्रे कलर का, कौन सा ग्रे कलर का डालना है। अंदर यदि पायदान आप डालते हैं, कोई फुट मैट डालते हैं, कारपेट डालते हैं, वो आपका अपना ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का ही होना चाहिए। इसके साथ में आप अपनी दुकान के अंदर कारपेट लगाते हैं, मैट लगाते हैं, वो आपका अपना रेड कलर का होना चाहिए। आपकी अपनी चेयर्स जितनी भी होंगी, 2, 4, 6, वो सारी की सारी रेड कलर की रहेंगी। आप यहाँ कस्टमर को यदि चेयर देते हैं, वो सारी की सारी ब्लैक कलर या ब्लू कलर की रहेंगी। आप अपने शोरूम में इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है सीटिंग और सेटिंग करते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है आपकी अपनी वर्किंग, आपकी अपनी सेल, आपका अपना प्रॉफिट बहुत अच्छा आएगा। आप कभी भी नुकसान में, लॉस में नहीं जाएंगे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।